प्यारे बच्चों आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कई टाइप थे जिसमें मैंने sp और sp2 आपको बता दिया था। इस वीडियो में मैं बाकी हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स हैं sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और स्पेशल टाइप dsp2 इन सबको कंसिडर करने वाला। तो क्या आप लोग तैयार हैं? मुझे उम्मीद है तैयार है। हाइब्रिडाइजेशन जो था उसमें मैंने बताया था ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें अलग अलग एनर्जी की और अलग अलग शेप की ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करती हैं और कंबाइन होने के बाद उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती हैं जितनी पहले कंबाइन हुई थी, लेकिन अब उनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाती है कंबाइन होने के बाद और उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल का दर्जा मिलता है। अब इसी कैटेगरी में देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप मालूम है ना, sp, sp2, फिर बोलो sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और एक स्पेशल टाइप था dsp2 जो केवल IIT और नीट में ही है। ये सब बोर्ड में है और ये सारे और ये मिलाकर बोर्ड और नीट में है। यानी कि बोर्ड में तो sp से लेकर sp3d3 तक है, IIT और नीट में sp से लेकर dsp2 तक है, यानी ये सारे है। तो अब शुरू कर रहे हैं sp3। चलिए भाई sp3 क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बेटा इसे क्यूब मत पढ़ना भाई, sp3 पढ़ेंगे इसे, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे से sp क्यूब पढ़ते हैं वो गलत है, इसे आप पढ़े sp3 ऐसे तो सही है। इसमें एक s ऑर्बिटल लेंगे, तीन p ऑर्बिटल यानी कि px, py और pz, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगी। कौन कौन सी है? ये s ऑर्बिटल है, ये कौन सी है px, ये py ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल। कितनी ऑर्बिटल कंबाइन हुई? चार। इंटरमिक्सिंग हुई चार ऑर्बिटल की, जितनी कंबाइन हुई है उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, चार ही बनेंगी। लेकिन अगर आप उन चार को देखेंगे तो उनकी एनर्जी और शेप सेम होगी, 1, 2, 3, 4। अब इनकी एनर्जी और शेप सेम है, इन्हें बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। अगर सबको मिला दोगे तो ऑर्बिटल्स आ जाएगा। इसका नाम भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब ये चारों आपस में अरेंज होंगी और टेट्राहेड्रल शेप लेंगी। कौन सी? टेट्राहेड्रल बनाइए, टेट्राहेड्रल शेप बना रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गई। बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, या कई बुक इसको 109.5 डिग्री भी लिखती हैं। शेप का नाम है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होती है, px, py, pz के साथ चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं, जो आगे चलकर टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हो जाती हैं। इन ऑर्बिटल के बीच में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। बच्चों याद रखना 30 डिग्री मिलाकर आधा मिनट हो जाता है ना, या दोबारा ध्यान दें 30 मिनट मिलाकर आधा डिग्री होता है। रिपीट, 30 मिनट मिलाकर आधा डिग्री होता है। तो 28 मिनट को लगभग 30 मिनट मान लेंगे तो आधा डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 30 मिनट में आधा डिग्री होता है, यहां पर 28 मिनट है तो ये आधा डिग्री से थोड़ा कम हुआ, लेकिन इसे 28 को 30 मिनट मानते हुए आधा डिग्री लिख देते हैं। ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब डेफिनेशन बनाओ। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन वन s ऑर्बिटल एंड थ्री p ऑर्बिटल px, py, pz कंबाइन टू फॉर्म
फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल हैविंग बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री और यू कैन से 109 डिग्री 28 मिनट। हिंदी में करें वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल जिनके नाम है px, py, pz आपस में कंबाइन होकर चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं, जिनकी एनर्जी और शेप समान होती है। फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में जुड़कर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आ जाती हैं और बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट होती है। ये सामने से हट गया हूं मैं, नोट कर लें। ठीक है, देखो मिलने से पहले इनकी एनर्जी अलग अलग है और इनकी शेप अलग अलग है, मिलने के बाद सबकी ये सेम है। एक बात यहाँ पे बच्चा जरूर कहता है ये डायग्राम थोड़ा बड़ा करके बना दीजिए सर, मैं मुझसे बन नहीं रहा है, क्योंकि इतने साल हमने पढ़ाया बच्चों को, हम देखते हैं बच्चों से डायग्राम हाइब्रिड ऑर्बिटल का अच्छा नहीं बनता है, तो एक बार इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहे हैं जिससे आप अच्छा बना पाए। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप हमेशा ऐसी होती है, और अच्छा बनाना चाहें तो और अच्छा बनाइए, ये छोटा लो और ये बड़ा लो, लॉकी जैसा, है ना, बात समझ में आई या नहीं आई, लॉकी जैसा, बात सही है। ये कितना होता है 3 से 5% पार, तो ये हो गया 95 से 97, ये 3 तो ये 97, ये 95 तो ये 5, है ना। अब देखो टेट्राहेड्रल का मैंने डायग्राम कैसे बनाया वो दोबारा से देखना, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, अब साफ नजर आ रहा है, ये थर्ड इसके नीचे लो, देखो ये देखो, और ये लोब इसके अंदर चले जाएगा, और ये फोर्थ ऑर्बिटल, ये है शेप टेट्राहेड्रल। दोबारा डायग्राम इसलिए बनाया जिससे बच्चों को अच्छे समझ आए, और ये एंगल है 109 डिग्री, है ना, 28 मिनट या 109.5 डिग्री। ठीक, ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट चलेंगे sp3 के बाद आएगा sp3d, कौन सा आएगा sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें प्यारे बच्चों क्या लोगे, एक s ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल यानी कि px, py, pz, px, py, pz और एक d ऑर्बिटल। अब यहां पे मन में क्वेश्चन होता है d ऑर्बिटल कौन सी लोगे सर आप इसमें, है ना, इसमें जो d ऑर्बिटल लेते हैं वो dz स्क्वायर लेते हैं, कौन सी लेते हैं dz स्क्वायर, यहां पे बना दूं जगह है वैसे तो dz स्क्वायर लेनी है, तो ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, कौन सी ऑर्बिटल है dz स्क्वायर, s, px, py, pz और dz स्क्वायर। अब ये बात आईआईटी में पूछी गई है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है d ऑर्बिटल होती है dz स्क्वायर, ये बात आईआईटी में नीट में आ चुकी है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल कौन सी इन्वॉल्व है, आंसर dz स्क्वायर। अब कितनी ऑर्बिटल है बोलो यहां पर, 5, तो पांचों को एक साथ लिख ले रहे हैं, नई इनकी इंटरमिक्सिंग होगी और नई ऑर्बिटल भी कितनी बनेगी, 5 ही बनेगी इंटरमिक्सिंग के बाद, तो 5 ऑर्बिटल बनी, 1, 2 सब एक सी बनेंगी बिल्कुल, 3, 4 और ये 5। नाम क्या है इसका, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, हर का नाम है, हर का मतलब प्रत्येक का, सभी ऑर्बिटल का नाम है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, और आप सबको एक साथ कर दोगे तो यहां पे s आ जाएगा ऑर्बिटल्स। अब ये बनने के बाद पांचों बैठी नहीं रहेंगी, मिक्स कितनी हुई थी, 5, जिनकी एनर्जी और शेप अलग अलग थी, बन भी कितनी गई, 5, अब इनकी एनर्जी और शेप सेम है, अब ये बैठी नहीं रहेंगी, ये अपने को फिर एडजस्ट करेंगी, अब ये बनाएंगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, कौन सी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देखो 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कौन सा हो गया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो गई। कौन सी शेप हो गई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बॉन्ड एंगल, तीन एंगल है 120 डिग्री के और दो एंगल है 90 डिग्री के। तीन एंगल ये जो है ये 120 के हैं और जो ऊपर और नीचे है वो 90 डिग्री है। ये हो गया। इसमें क्या डेफिनेशन बनेगी? इन दिस हाइब्रिडाइजेशन वन एस ऑर्बिटल कंबाइंड विद पी एक्स पी वाई पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल टू फॉर्म कितनी 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल विच आर अरेन्ज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड देर आर थ्री एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड टू एंगल ऑफ 90 डिग्री। इज इट ओके? हिंदी में गड़बड़ कर दो। ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक एस ऑर्बिटल तीन पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड और एक डी ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर कंबाइन होकर 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं, जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में लग जाती हैं और इसमें तीन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं जबकि दो एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये पूरा डिटेल है, सामने से हट गया हूं। फिर वही बात आएगी, सर ये डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बना के दिखा दीजिए, हमसे नहीं बनना है। तो फिर वही बात का सॉल्यूशन करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा सा और अच्छा सा बनाएंगे जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से, है ना, सुंदर सा बनाए। देखो बेटा, करने के लिए क्या करना है आपको, देखो पहले ट्राइंगल के तीन पॉइंट को मनी मन में मान लो, देखो 1, 2 और 3 ऐसे, ठीक है। तीन पॉइंट देखो बन गया ट्राइंगल की शेप में आ गई। अब ये सेंटर है, यहां से सेंटर से लेते हुए आप पॉइंट को बनाते जाओ। ट्राइंगल के तीन पॉइंट बना लिए, देखो ये सेंटर है, ठीक नजर आ रहा है या नहीं? अब यहीं से बनाते जाना है, सबको बनाते जाइए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हो गया तीन, ये बन गए ट्राइंगल की फॉर्म में। फोर्थ जो ऊपर है, फाइव जो नीचे है, अब इनको ट्राइंगल की फॉर्म में अटैच करने के लिए ऐसे डॉटेड दे दो जिससे नजर आए ये ट्राइंगल की फॉर्म में एडजस्टमेंट हो चुका है इनका। ऐसे यहां से ले लो डॉटेड, अब साफ नजर आ रहा होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, अब तो नजर आ रही है साफ साफ भाई। कौन सी शेप हो रही है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये तीनों ट्राइंगल में एंगल है 120 120 120, ऊपर और नीचे वाला 90 90 डिग्री का है, ठीक है। अब तो साफ नजर आ रहा है मेरे बच्चों, आप कह रहे होगे सर बहुत अच्छा डायग्राम बनाया आपने और हमें बहुत अच्छा समझ में भी आया, मुझे ऐसी उम्मीद है ना। ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। सब चीज थोड़ी प्रैक्टिस से आती है, थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, अच्छा डायग्राम बनाना है वरना टीचर नंबर नहीं देगा। अब ये हो गया sp3d। अब इसके बाद आता है sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन, इसमें फिर वही बात होगी, एक s, तीन p ऑर्बिटल, कौन कौन सी? px, py, pz और दो d ऑर्बिटल, एक तो dz स्क्वायर है पहले की तरह, ये dz स्क्वायर है और एक dx स्क्वायर - y स्क्वायर, ये है dx स्क्वायर - y स्क्वायर। इसका नाम है dx स्क्वायर - y स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। कई बच्चों को dz स्क्वायर का डायग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत छोटा बन गया है, तो ये dz स्क्वायर का डायग्राम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। देखो असली में ऐसा है, अब तो नजर आ रहा है ये dz स्क्वायर का डायग्राम है, ऐसे ही इसका डायग्राम बहुत छोटा नजर आ रहा है, इसको बड़ा कर रहे हैं। ये dz स्क्वायर है, इसका डायग्राम बड़ा कर रहे हैं, साफ नजर आए। अब तो नजर आ रहा है साफ साफ, ये dx स्क्वायर - y स्क्वायर है, क्या नाम है? dx
एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। अब एक बच्चा कह रहा होगा सर इसको थोड़ा अच्छा बना के दिखा दिए, पीजेड कैसी है, पीजेड का ये डायग्राम बनाया बेटा, ये पीजेड है ना। अब तो सारे डायग्राम साथ नजर आ गए होंगे, इन्हें हटा रहे हैं। अब कितनी ऑर्बिटल कंबाइन हुई देख पा रहे हैं आप, कितनी कंबाइन हुई बोलो, एक दो तीन चार पांच छह, तो अब बनेगी भी कितनी बदले में भी छह, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नाम क्या पड़ेगा इनका, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हर किसी का नाम, सबको एक साथ कंबाइन करोगे तो ऑर्बिटल्स कर देना। अब ये बैठी नहीं रहेंगी, ये ऑक्टाहेड्रल की शेप में आ जाएंगी, किसकी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बनाओ, क्या कर लो चार पॉइंट दे लो, वन टू थ्री थ्री फोर और एक ऊपर ले लो फाइव सिक्स। चलिए भाई स्टार्ट करिए, वन टू थ्री फोर, अब ऊपर वाला फाइव और नीचे वाला सिक्स, ये सब मिलाकर स्क्वायर के पॉइंट हो गए, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं, छह बॉन्ड एंगल हैं, छह हो 90 डिग्री के हैं, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ये वो ऑर्बिटेशन है, इसमें एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और दो डी ऑर्बिटल, इनके नाम नोट कर लें ध्यान से, एक है डी जेड स्क्वायर और एक है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये नाम जरूर नोट कर लें, ये आईआईटी और उसमें आते हैं नीट में कि कौन सी डी ऑर्बिटल काम में है। तो एक एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, छह ऑर्बिटल कंबाइन हुई, छह हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी जो ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में लग गई, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ये ओके हो गया, नोट कर लिया जल्दी से आपने, जल्दी जल्दी बनाओ, थोड़ा सा कर लो भाई जल्दी जल्दी इसे। अब बात आती है सर इसका डायग्राम थोड़ा सा और बना दिए ऑक्टाहेड्रल वाले को लेकर, हमें फिर लग रहा है डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी, तो देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल को लेकर फिर डायग्राम बनाते हैं अपन लोग अच्छा सा, देखो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये वन टू थ्री फोर, ऊपर लो फाइव, नीचे लो सिक्स, इन सबसे जोड़कर क्या बन गया आपका स्क्वायर, ये है ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम। सारे एंगल ये वाले भी 90 के हैं और जो ऊपर नीचे हैं वो भी 90 के हैं, ठीक है, छह एंगल हैं सबके सब 90 डिग्री के। अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर जो है आपका वो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये है। अब इसमें चलो एक s, तीन p, px, py, pz है ना, px, py, pz और ये s, इसके अलावा तीन d ऑर्बिटल लेनी है, d ऑर्बिटल तीन कौन कौन सी लेनी है, dxy, dyz और dzx, तीनों की शेप सेम होती है, अलग अलग एंगल में लो होते हैं, ये है dxy, ये dyz और dzx, इसमें लोब ये है x, ये y, इसमें ये है y, ये z और इसमें ये है x, ये z, ये डायरेक्शन है इनके, ये उसकी एक्सिस की, कितनी ऑर्बिटल कंबाइन हुई, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो कितनी ऑर्बिटल बनेगी, आंसर सेवन बनेगी, एक दो तीन चार पांच छ सात,
नाम क्या पड़ेगा, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटर, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनी, 7। अब ये 7 तो आपस में कंबाइन होंगी, पेंटागन बनाएंगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब ये काम मैं आप कहें तो नीचे करूं लेकिन नजर नहीं आएगा, इसे ऊपर ही कर दे थोड़ा सा, या नीचे एक छोटा सा बनाइए ना, फिर ऊपर साफ सुथरा बना देंगे। नीचे थोड़ा सा बना दे रहा हूं मैं, जिससे थोड़ा सा काम आप समझ जाए, है ना, फिर इसे ऊपर बना देते हैं, जिससे डायग्राम थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। 5, 6, 7 ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एंगल कितने के हैं, 5 एंगल 72 डिग्री के हैं, 2 एंगल 90 डिग्री के हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली है, डी ऑर्बिटल कौन कौन सी रही, DXY, DYZ, DZX, ये बात ध्यान देने की है, जिसे नोट कर लें अच्छे से, जो बच्चों ने मेडिकल या इंजीनियरिंग एग्जाम देना है। अब फिर वन में वही क्वेश्चन आएगा, सर ये डायग्राम अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा दोबारा से बताइए, हमसे नहीं बन पाएगा। तो पहले इसकी डिटेल सुन लो, वो आयोडाइचन जिसमें एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल पीएच पीवाई पीजेड, 3 डी ऑर्बिटल डीएक्सवाई डीवाईजेड डीजेडएक्स, 7 ऑर्बिटल कंबाइन होकर 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं, जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप में अरेंज हो जाती हैं, जिसमें 5 एंगल 72 डिग्री के हैं और 2 एंगल 90 डिग्री के हैं। डी ऑर्बिटल जो काम में आ रही है, डीएक्सवाई डीवाईजेड और डीजेडएक्स है। उम्मीद है आप नोट कर रहे हैं, कर लीजिए जल्दी से नोट, भाई से सामने से हटाऊं, जल्दी से नोट करें, चलिए भाई हटा दें। अब क्या कहोगे बताओ, फिर पुरानी वाली बात, सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल अच्छा सा बना के दिखाइए, बड़ा सा, जिससे हम बोर्ड में बना पाए, ये नहीं है कि हमसे बनाने में दिक्कत आए। तो देखो बेटा अच्छा सा बना लीजिए, चलिए भाई पहले आप इसके पॉइंट रख लीजिए पेंटागन के, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखो ये सबको जोड़ोगे, पेंटागन नजर आ रहा है, जोड़ के दिखाऊं या नजर आ रहा है, जोड़ के देख लो, आ रहा है नजर, ये सेंटर पॉइंट दिया, 1, 2, 3, 4, 5 नजर आई। इन सब में जो एंगल है ये 72 है, 72, 72, 72, 72, 72, ये ऊपर वाली 90 और ये नीचे वाला भी 90। अब इसमें साफ नजर आ रहा होगा, 5 एंगल 72 डिग्री के हैं, 2 एंगल 90 डिग्री के हैं। इस शेप का नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और जो ये ऑर्बिटल लगी हुई है इनका नाम क्या है, इसका नाम है, इनका नाम है sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितनी बनी थी बोलो, 7। कितनी बनी थी, 7, गिनो 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब इसके साथ ये खत्म हो गया, हाइब्रिडाइजेशन का एक स्पेशल काइंड रहा, वो रहा DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें एक डी ऑर्बिटल लेनी है, पहली जो डी ऑर्बिटल लेनी है आपको वो DX²-Y² लेनी है, DX²-Y² ये बात फिर IIT में पूछी गई है, थोड़ा सा साफ दिखना चाहें तो DX²-Y², फिर S, फिर PX, फिर PY, है ना, ये कौन सी हो गई, S। तो DX²-Y² S PX PY कितनी ऑर्बिटल है, 4, चारों कंबाइन हुई, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी, 1, 2, 3, 4 नाम क्या है इसका,
DSP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या नाम है? DSP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये चारों मिलकर स्क्वायर की शेप ले लेंगे। किसकी? स्क्वायर की। तो नाम पड़ेगा स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम पड़ेगा? स्क्वायर प्लेनर। एक, दो, तीन और ये चार, स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगी। चार एंगल होंगे, चारों ही 90 डिग्री के होंगे। चार एंगल हैं, चारों 90 डिग्री के हैं। तो ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, एक s ऑर्बिटल, एक px और एक py, चार ऑर्बिटल मिलकर चार dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी जिन्होंने स्क्वायर प्लेनर शेप ले ली और एंगल हैं चार है 90 डिग्री के। हर एंगल 90 का है, 90, 90, 90 और 90। क्या नजर आ रहा है? ये सब 90 के। अब फिर क्वेश्चन आएगा ये सब साफ सुथरा बना दीजिए। तो ये बनाते हैं। देखो भाई, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? डी ऑर्बिटल कौन सी ली है? कौन सी ली है? आंसर dx²-y²। IIT और नीट वाले एस्पिरेंट्स याद रखे इसका नाम, नाम से पूछी जाती है कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी डी ऑर्बिटल काम में आ रही है। तो आंसर होगा dx²-y²। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो डायग्राम क्या बनेगा? देखो, स्क्वायर बना लीजिए पहले आप। सेंटर पॉइंट दीजिए, एक, दो, तीन, चार, ये बन गई है ना। और ये जो बन गई, इसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, एंगल 90 डिग्री है, हर जगह देख रहे हैं आप। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। चार एंगल हैं, कितने डिग्री के? 90 डिग्री। कितने एंगल हैं? चार। ठीक, ये dsp2 है। अब जरा आप एक बात को नोट कर लें, हमने डी हाइब्रिडाइजेशन में जो लिए थे इसमें डी ऑर्बिटल थी, sp3d था, sp3d2 था, sp3d3 था और dsp2 था। इनमें कौन सी डी ऑर्बिटल काम आई? इसमें आई आपकी dz²। इसमें dz² एंड dx²-y²। इसमें dxy, dyz एंड dzx। और इसमें आपकी काम में आई dx²-y²। ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये डी ऑर्बिटल काम में आ रही है। सबकी एक साथ लिख दी है क्योंकि हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, तो यहां पे लिख दिया है। ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व जो उसमें भाग ले रही है, ये हो गया। ठीक, नोट कर रही है, जल्दी से करो। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सारी वेराइटी कराई, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा और ये भी बताया इनमें कौन कौन सी डी ऑर्बिटल काम आ रही है। ठीक है, तो सामने से हटा हुआ हूं, नोट कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक अल्ट्रा क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे आगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।